चाकू वगैरह मत निकालो, कुछ गलती होगी और अंदर रख ले भाई चाकू को। भाई पोस्ट तो गए थे और बताओ मौसी को, मैं रात को 2 बजे परेशान कर रहा हूँ, मौसी चाय बना रही है रात को 2 बजे। सच्ची बताओ ना, सच्ची गले तो नहीं दे रही? Hey guys, good morning, welcome to the new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे, तो आप लोग अच्छे ही रहना, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो guys आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा कि सौरभ और मैं जाने वाले थे गुड़गांव, और सुबह हमने जो है कार पार्क कर दी थी घर के पिछले गेट के बाहर की साइड। तो अभी सौरभ भी आ चुका है और जो है बस हम जस्ट निकलने वाले हैं। तो मैंने इसलिए पहले ही अपने लास्ट व्लॉग की अभी जस्ट एडिटिंग की थी और उसे भी रेंडरिंग पे लगा दिया, तो रेंडर हो रहा है अभी, 2-3 मिनट में रेंडर हो जाएगा कम्प्लीटली और फिर उसे यूट्यूब पर अपलोडिंग पर लगा दूंगा। तो फिर आज का काम खत्म हो गया, क्योंकि आज के लिए मुझे क्या करना था कि 2 व्लॉग्स शूट करने थे, क्योंकि आज के लिए कोई व्लॉग नहीं था मेरे पास। कल का जो व्लॉग था मैंने कल ही डाल दिया था रात को, और आज का सुबह शूट करके अभी दोपहर में डाल दूंगा, तो मतलब 5 बजे तक आ जाएगा ये व्लॉग। और जो मैं आज व्लॉग शूट करूंगा वो आएगा कल, तो फिर नॉर्मल अपना फ्लो फिर स्टार्ट हो जाएगा जो कि डेली होता है 10 बजे वाला। तो 3-4 दिन बीच में गैप की वैसे दिक्कत हो गई थी, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी सौरभ अपने पास ब्लेजर वगैरह रेडी कर रहा है, मेरा भी रख लेगा और फिर अभी निकलते हैं एक बार, बस ये जल्दी से हो जाए। टाइम देखो 3:30 हो गया और हमें 3:30 बजे निकलना था, तो मुझे लग रहा है 15-20 मिनट हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अपलोड करके जाना है यहाँ से, उसके बाद ही मैं निकलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, दिक्कत हो जाती है फिर। नहीं तो अगर नेट की दिक्कत होगी, क्योंकि नेट नहीं मिलेगा कहीं पे भी, तो ये करके जाना है आज। पिछली सीट पर रख दे, खाली तो जानी है गाड़ी। तो अभी बस सौरभ सामान रख के आ रहा है सारा का सारा, तब तक मैं ये अपलोडिंग पर लगा देता हूँ वीडियो। तो अभी फाइनली वीडियो अपलोड कम्प्लीट हो गया और टाइम देखो क्या हो गया, 3:44। भाई बहुत लेट हो गए, निकलते हैं अभी। ये लैपटॉप भी रख लेते हैं, अरे चार्जिंग। जो अलग पार्टीशन होगा ना उसमें रख दे सारा सामान, ये एक काम कर जैकेट के पीछे रख दे, सेफ रहेगा। मम्मी पापा जा रहे हम। अच्छा मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, माजी नमस्ते, चाची नमस्ते, जा रहे हम। ठीक है बाय बाय, ठीक है ठीक है, आराम से जाएंगे यहाँ। चलो निकलते हैं अभी फाइनली, पीछे रख दे सारा सामान। चमक गई है गाड़ी तो एकदम। चलो रख लिया क्या सारा सामान या रह गया कुछ? चलो चलते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है बड़ो से चले हुए, फिलहाल टाइम एग्जैक्टली 5:00 हो चुके हैं और अभी हम ट्रोनिका सिटी के अंदर है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे अभी पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ पे हमें पिक करना है अभी से एक भाई को, तो वो हमारे साथ चलेंगे। तो वो मेरे ऑफिस के कलीग थे, तो अभी तो वो दूसरी कंपनी में है, तो पहले हम पटेल नगर जाएंगे, यहाँ से ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा और लग जाएगा और फिर हम वहाँ से निकलेंगे सीधा गुड़गांव के लिए। गाइज अभी फिलहाल एग्जैक्टली टाइम हो चुका है 5:55 और हम पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं अभी से एक भाई के आने का, तो वो बोल रहे हैं जस्ट 2-3 मिनट में आ जाएंगे और फिर उन्हें लेते हैं और निकलते हैं जल्दी से। थोड़ा जाम लगा हुआ है इधर, तो मैं थोड़ा साइड में पार्क कर लेता हूँ, बहुत जाम है भाई। दिल्ली में आने के बाद जाम ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। आओ आओ भाई आओ आओ। तो भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, फाइनली अभी से एक सर आ गए हैं, मतलब 2 साल बाद मिल रहे होंगे ना? हाँ जी 2 साल बाद। 2 साल हो गए, तो भाई मतलब जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो मेरे जो 6 महीने थे पहले इनकी वजह से वेस्ट गए। अरे भाई ये मतलब बड़प्पन है भाई। बड़प्पन नहीं सच में, मतलब मुझे लगा नहीं था कि कॉर्पोरेट वाला इतना फनी होगा, लेकिन इनके जाने के बाद ना फिर वही माहौल हो गया था बेकार वाला, मतलब सारे फन तो इनके सामने ही है बस फिर तो, लेकिन हाँ मतलब मजा आ गया था। तो अब तो
भाई ने स्विच कर ली थी कंपनी, तो फिर वैसे वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्विच होते ना हो। तो बस अभी हम निकलते हैं यहाँ से सीधा गुड़गांव के लिए। 40 किलोमीटर होगा सौरभ, कितना है? सिर्फ 30 किलोमीटर, सिर्फ 30 किलोमीटर है। चलो निकलते हैं अभी। फाइनली पोस्ट तो गए हैं पर चले, तो अभी जस्ट कपड़े चेंज करके आया हूँ और कार के भारी करने पड़े क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई जगह नहीं मिली ड्रेसिंग रूम वगैरह, तो भारी किए थे। अकेला अकेला गुजरा, अकेला अकेला बोरा। और नंडे क्या हाल है भाई? मेरे पे तुले राजा जी, बढ़िया। तो कैसा जी तेरा? तेरा मैं भाई के साथ। तो जस्ट अभी टाइम मिला है भाई ब्लॉग शूट करने का, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। तो अभी दूल्हे के साथ बैठ के जो है थोड़ा बहुत डिनर कर रहे हैं सबके सब बैठ के, ऑफिस के कलीग्स। सौरभ इधर बैठा है, तो इधर अभी से एक भाई बैठे हैं और सामने जो है अपनी फ्रेंड बैठी है और वो रहा दूल्हे राजा जो उधर बैठे हैं। एक्सटीसी छोड़ दी। अभी कौन सी कंपनी में हो? असेंचर। थोड़ा बहुत कर लेने दो यार, अभी तो कुछ व्लॉग शूट नहीं हुआ क्या? ओ भाई साहब खतरनाक, 28 लाख। सही है भाई, बढ़िया है, और क्या चाहिए। अच्छा भाई विकास चलेंगे दोस्त, मिल के जाएंगे, अभी आएंगे वापस आएंगे। चाकू क्यों निकाल रहा है भाई? क्या इरादा है, क्या इरादा है भाई? तीन क्या बंदी लगानी है हमारे पे भाई? भाई हम जा रहे हैं भाई, हमें माफ कर दो, कोई गलती होगी हो चाकू वगैरह मत निकाल, कुछ गलती होगी और अंदर रख ले भाई चाकू को, ऐसा मत कर। चाकू है भाई, छोटी तलवार है, रख ले भाई, उठा के रख ले भाई, डरा मत हमें। चल ठीक है, अभी बारी हम आएंगे, ठीक है अभी मिलते हैं। तो भाई भाई ने तो चाकू वाकू निकाल लेते जब हमने जाने के लिए बोला कि भाई तू इसे अंदर रख ले, अभी हम यहीं हैं, टेंशन मत ले। तो भाई भीड़ बहुत थी तो मैं शूट नहीं कर पाया ज़्यादा, लेकिन काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ सब कलीग से मिलके, भाई मज़ा आ रहा है सच में। तो अभी हम सोच रहे हैं निकल जाते हैं, तो चलते चलते एक बार सोच रहे हैं दूल्हे भाई से मिल लेते हैं और फिर निकलते हैं। भाई काफ़ी लेट हो गया, टाइम हो चुका है 11:30। भाई दूल्हे राजा जो है फॉर्मल से जो है इनफॉर्मल आउटफिट में आ गए पूरे, चप्पल वप्पल पहन ली। यही है वो बकरे जो अभी शहीद होने, दो दिन बाद कटने वाले हैं। बस। चल भाई ठीक है, हम निकलते हैं, तो हम फॉर्मल में ही है और भाई इनफॉर्मल में रेडी हो गया, आ गया बिल्कुल अच्छे से, रात को यहीं बिताएगा, घर तक घर नहीं जाएगा ना अभी 2 दिन तक, घर नहीं जाना भाई, 2 दिन तक जो है होटल रूम में रहेगा मस्त। तो शादी करके ही आएगा, शादी करके घर में घुसेगा भाभी जी को लेके। चल भाई हम निकल रहे हैं, ठीक है फिर मिलते हैं ना, अगर वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया तो मिलेंगे, नहीं तो फिर मिलना तो कैंडी से है कुछ टाइम मिलेंगे। बाय बाय। तो अभी फिलहाल जो है अभी से एक भाई तो कैब बुक करके निकल गए थे, तो उन्हें दिल्ली जाना था तो वो तो कैब बुक करके से दिल्ली निकल गए हैं, और हमारा रात को रुकने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि अगर रात को रुकते तो हम काफ़ी परेशान हो जाते। तो हमने सोचा कि हम निकल जाते हैं मौसी के घर के यहाँ पे, तो मौसी का घर जो है हमारा भिवाड़ी पड़ता है, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर्स है। तो अभी हम हरियाणा में, हमें जाना पड़ेगा राजस्थान, तो पूरा 50 किलोमीटर है और अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है अराउंड 12:50, तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से वहाँ पे पहुँचने में। तो हमने सोचा कि मौसी को सरप्राइज़ देते हैं रात को भाई। वैसे हमने फ़ोन कर दिया है तो सरप्राइज़ तो नहीं रहा, वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था मौसी के घर पे जाने का, लेकिन कोइंसिडेंस कुछ ऐसा बैठता है कि नए साल पे ही हम ऑलमोस्ट मौसी के घर पे जाते हैं। लास्ट टाइम भी जब हम गए थे ना न्यू ईयर पे गए थे, और सौरभ और मैं ही गए थे, तो अभी सौरभ ही ड्राइव कर रहा है और इस साल भी क्या हो रहा है कि सौरभ और मैं ही जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं अभी। तो पता नहीं क्या सिचुएशन बनती है कि नए साल के आसपास ही जाना होता है, जनवरी में गए थे हम लास्ट टाइम, तो अभी देखते हैं मौसी परेशान हो जाएगी। वैसे हमने फ़ोन करके बता दिया था कि हम आने वाले हैं, तो अभी तो हमने कह दिया था कि आप सो जाना आराम से, जिस टाइम हम पहुँचेंगे हम फ़ोन कर देंगे आपको, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि यार बहुत लेट हो चुका है, पहले अभी 12:30 बज चुके हैं और लगभग 1 घंटा लग जाएगा, तो मतलब 1:30 बज जाएंगे, तो वही परेशानी होगी। लेकिन अब टाइमिंग ही ऐसी थी यार, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं था। तो लेकिन मौसी काफ़ी खुश थी कि हमारे हैं, तो अभी मज़ा आएगा मौसी के घर पे जाके, मौसी की रिएक्शन देखेंगे कि मौसी पहली बात तो सोती ही उठेगी। तो मौसी काफ़ी परेशान होने वाली है हमारी वजह से, लेकिन भाई मौसी परेशान नहीं होगी तो और कौन परेशान होगा फिर, है ना? भांजों के वैसे मौसी और मामा तो परेशान होते ही हैं हमेशा, तो चलो परेशान करते हैं अभी जाके।
अरे ये क्या हो रखा है, पूरे रोड पे पानी भर रखा है भाई भिवाड़ी के। तो बारिश आई थी क्या कोई आजकल में ही? पता नहीं यार क्या सीन है। और टेम्परेचर देखो 11 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल में बारिश आई होगी तभी इतना पानी भर रखा है रोड पे, या फिर कोई सीवेज सिस्टम खराब हो रखा होगा। देखो भाई कोई गड्ढा ना हो यार, पता चला गाड़ी फंस गई। चलो निकालते हैं अभी आराम से ड्राइव कर। हाँ चलो ख़त्म हो गया फाइनली पानी भरा रास्ता। तो फाइनली हम भिवाड़ी पहुँच चुके हैं। तो मौसी का घर यहाँ से मतलब 2-3 किलोमीटर और दूर होगा, तो वहाँ तक और जाना है। बस ये ऐसा पानी वाला रास्ता ना मिले, नहीं तो भाई यहाँ तो बुरी हालत हो रही थी। क्योंकि कुछ नहीं पता, क्योंकि रोड ऐसे होते हैं ना कि अचानक से इतना बुरा गड्ढा जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती। और सुरापुर में ही है बस अभी, तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं मिलता इस टाइम। तो रात के 1:30 बज चुके हैं भाई, तो अब तो थोड़ी दूर जाना है, वैसे कुछ ज़्यादा दूर जाना नहीं, मतलब ऑलमोस्ट हमने आज 150 किलोमीटर गाड़ी चला दी पूरी। तो भाई बहुत हो जाता है, ऐसे ही लगता है 150 किलोमीटर काफ़ी बैठते हैं। मेरी कमर दुखने लगी, तो आते हुए तो मैंने ड्राइव की थी, लेकिन फंक्शन के बाद जो है सौरभ ड्राइव कर रहा है अभी। तो बस पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी बहुत देर में। और हाँ यही वाला मोड है, चलो आराम से। क्या कर रहा सौरभ? ठीक तो है, क्या हुआ? अरे घर क्यों लगा रहा, तो साइड में लगा क्यों रहा है? देख ब्रेकर था और बुरा गाड़ी थी साइड में भाई, लग जाती है अभी। चलो तो भाई भिवाड़ी की रोड से इतनी कंफ्यूजिंग है ना, मैं तो जब भी आता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। कई बार आ चुका वैसे तो भिवाड़ी, लेकिन जब भी आता हूँ रोड भूल जाता हूँ। तो अभी हम फाइनली सही रोड पे हैं, थोड़ी दूर रोड जाना है अभी। ये गाने बंद कर ले, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। हाँ तो बस थोड़ी दूर रोड जाना है, मुश्किल से 500-600 मीटर। और मौसी फोन नहीं उठा रही, सोना गई हो बस। पता चला पूरी रात जो है रोड पे गुजारनी पड़ रही है। राइट लेना है, राइट 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 राइट, लेफ्ट नहीं राइट, यहाँ से लेफ्ट, अभी लेफ्ट लेना है। और यहाँ से हमें लेना है राइट, और हम पहुंच गए हैं मौसी के घर पे। अरे क्या बात, भारी गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और टाइम देखो क्या हो गया, 1:40। तो मौसी को जस्ट अभी हमने उठाया है, तो मासी की बुरी हालत हो गई भाई, अभी मासी बाहर आती होगी। जस्ट घर के बाहर ही खड़े हैं भाई, पार्क किए जस्ट गाड़ी, अभी गाली दे रही होगी मौसी। और ठंड तो भाई बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में तो पता नहीं चल रहा था, बाहर आके पता चल रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है उतरते ही। सौरभ अभी लैंड कर रहा है बस। भाई बुरी हालत हो गई, यहाँ तक आने में काफ़ी जाम मिला रास्ते में, रात के मतलब 1 बजे भी जाम मिल रहा है, बताओ। तो अभी पहुँच तो गए सही सलामत भिवाड़ी की डॉन डोली मौसी। भाई पहुँच तो गए थे, और बताओ मौसी को मैं रात को 2 बजे परेशान कर रहा हूँ, मौसी चाय बना रही है रात को 2 बजे। चाय रेडी कर रही है भाई, मौसी को तकलीफ दे दी है ना मौसी? तकलीफ तो नहीं दी, सच्ची बता रहा, सच्ची गाली तो नहीं दे रही? दे दूंगी तो। बोली दे दूंगी तो, मन ही मन दे रही होगी मौसी कि रात को 2 बजे चाय बनवा रहा है सागर आके। तो भाई जस्ट अभी ब्लेजर वगैरह निकाले थे, मैं तो थक गया था पहने पहने, जैकेट वगैरह डाली है अभी। तो फॉर्मल कपड़े तो परेशान कर देते हैं, इनफॉर्मल में मजा आता है। और मौसा जी रील्स देख रहे हैं, मौसा जी क्या देख रहे हो? हाँ ये भी था, मैं बताना भूल गया कि अब किसान आंदोलन वाले लोग जो हैं, किसान थे जो अपने, वो अब घर वापसी की तरफ हो चुके हैं। तो मौसा जी वही रील्स देख रहे थे अभी। मौसा जी हाय तो बोल दो। हाय। अभी रात को 2 बजे चाय पीते हैं। क्या हुआ मौसी, रख दी? मैं तो उठा रहा हूँ कप, आपने रख दिया? The next morning. So guys, just अभी उठा था, और उठते ही नाश्ता चल रहा है। देखो सोते टाइम भी नाश्ता किया था, और उठते टाइम भी। ये मेरे मौसा जी है, रात तो मैं मतलब नींद में था और कुछ ज्यादा इंटरेक्शन करा नहीं पाया। तो मौसा जी और सामने मौसी बैठी है, उधर भाई हमारा किट्टू बैठा है, हमारा छोटा भाई स्केटर है। ये देखो लाइन लगी हुई है मेडल्स की, कितने मेडल्स है? 4-5 तो होंगे, 12 10 12 मेडल्स। भाई बहुत तगड़ी स्केटिंग करता है। और अभी कौन सी क्लास में है?
एट क्लास में, लेकिन मतलब वो जो लाइनर होते हैं ना, जो फोर टायर्स वाले होते हैं, जो सिंगल लाइन में होते हैं, वो वाले स्केटिंग करते हैं, मुझसे तो खड़ा भी ना हुआ जाए। और ये तो भाई कभी सेकंड मेडल कभी फर्स्ट मेडल ऐसे लाता है, तो ये इसके मेडल सारे के सारे भाई, तो काफी प्राउड फील होता है। मैं तो देखता रहता हूँ उसके स्टेटस वगैरह फोटो, जब मोसरी लगाते हैं मोसरी लगाते हैं। चलो भाई सही है, सही नेशनल खेलो जल्दी, ठीक है ठीक है। सो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 10:55 और जस्ट मैंने भी अपना लैपटॉप खोला था एडिटिंग के लिए, और वहाँ पे सौरभ की और किट्टू की वार्तालाप चल रही है बहुत गहरी। तो अभी जल्दी से जो है एडिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर अपना व्लॉग पोस्ट भी करना है और फिर नेक्स्ट व्लॉग शूट करना भी स्टार्ट करना है, तो काफी काम है। तो ये बताता हूँ जल्दी से अभी। तो क्या देख रहा है, दिखा ना स्मोक टावर। अरे वाह, स्मोक टावर लग गया भिवाड़ी में, पूरे राजस्थान का सबसे पहला ना टावर। तो ये 100 मीटर दूरी तक की जहरीली हवा को करेगा साफ, वायर सही है। तो अभी शाम के टाइम चलेंगे स्मोक टावर को देख के आएंगे, मुझे भी देखना है कि कैसा होता है देखने में, मैंने देखा नहीं आज तक। क्या 10 टावर? अच्छा ऐसे ऐसे 10 टावर और लगेंगे, क्योंकि काफी पॉल्यूटेड सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है मोस्टली भिवाड़ी के अंदर, तो जो है सारी एयर क्वालिटी साफ हो जाएगी जब 10 स्मोक टावर पूरे लग जाएंगे। तो शाम के टाइम घूम के आएंगे और वो चीजें आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तो इसके बाद का जो भी होगा आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो ये व्लॉग कर देता हूँ मैं यहीं पे एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट से बताना कि आप लोग का व्लॉग कैसा लगा। तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।